हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल एसपी फैंटेसी में। दोस्तों आज हम बात करेंगे इससे टी20 स्वीडन में जो चौथा मैच खेला जाएगा दोस्तों महाराष्ट्र और नक्का के बीच में, उस मैच के बारे में बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज का ये लास्ट और चौथा मैच है दोस्तों आज के दिन का। अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हो तो सबसे पहले आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही आपको हमारे YouTube वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, तो आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों आपको आने वाले मैचेस के सारी जो फाइनल ड्रीम टीम्स होती है दोस्तों वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी। दोस्तों हर मैच का वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं होता है दोस्तों, इसलिए आपको प्राइवेट टीम हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दी जाएगी। साथ ही आप देख सकते हैं आज दिन के खेले गए तीनों T10 की टीम मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट की है, और इस मैच की टीम भी हमारे टेलीग्राम चैनल पर ही पोस्ट की जाएगी। तो आप जल्दी आइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। देर किस बात की, अगर आप अच्छी खासी विन करते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करते रहिए, अगर आप विन नहीं करते हैं लॉस होते हैं तो आप इजीली स्किप कर सकते हैं, आप चैनल को लीव कर सकते हैं। दोस्तों आपके ऊपर कोई पोस्ट नहीं है, और साथ ही दोस्तों मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ, मैं भी 100% प्रडिक्शन नहीं कर सकता कि हम 100% ये मैच विन करेंगे। लेकिन दोस्तों थोड़े बहुत अपनी एनालिसिस और लॉजिक की वजह से 10 में से हम 7 मैच भी विन करें फिर भी अपना प्रॉफिट होता। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से बने रहिए और आपके भाई को सपोर्ट कीजिए दोस्तों। दोस्तों दोनों टीमों का स्टेट्स मैंने पहले ही वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है, तो अब तो डायरेक्ट T10 की टीम ही बनानी है फाइनल टीम, और T10 वैसे भी अनएक्सपेक्टेड होते हैं दोस्तों, तो इस मैच में थोड़ा लेस ही इन्वेस्ट करना आप। दोस्तों पहले वाला जो चैनल है वो डिजिबल हो गया तो हमने नया क्रिएट किया, तो आप जल्दी से ये इसको सब ज्वाइन कर लीजिए। अभी वाले T10 की टीम दोस्तों मैंने यहाँ प्रोवाइड की, आप देख सकते हो उसके पहले वाली T10 की टीम दोस्तों अल्ट्रा क्लीन स्वीप हुई दोस्तों, कोई भी आसपास नहीं रहा, आप देख सकते हो फन साइड विन हुआ दोस्तों, बहुत सारे पॉइंट के डिफेंस से। आप इधर देखो दोस्तों हर मैच में 50+ पॉइंट, मिनी जीएल में दोस्तों 18वीं रैंक गई। उसके पहले की T10 की भी बात करें दोस्तों तो वो भी बेहतर गई अपनी, आप देख सकते हो हर T10 की टीम मैंने यहाँ प्रोवाइड की। T10 ही नहीं दोस्तों बाकी सारे मैचेस की टीम यहाँ प्रोवाइड कराई जाती है, आप देखो जैसे वुमेन हुआ वगैरह। तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज़रूर ज्वाइन कीजिए दोस्तों। तो अब बात करते हैं दोस्तों जो महाराष्ट्र की टीम है दोस्तों उनकी बात करते हैं, उनका स्टेट्स में मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड किया था। ये देख लो दोस्तों जो महाराष्ट्र की टीम है दोस्तों उसके ओर से दोस्तों शेर अली ने ओपन किया 7 मैच में 192 रन किए, ECS में वकास हाइडन ने जैसा मैंने बताया 6 मैच में 137 रन किए, 6 विकेट ले। तो मैं आपको बता दूं अपना ड्रीम इलेवन, सॉरी दोस्तों वही खोल देते जो पहले मैच में कैसा क्या परफॉर्म किया इन्होंने। जैसा कि महाराष्ट्र की ओर से देखो दोस्तों वकास हाइडन ने ओपन किया 45 रन के, शेर अली ने 35 रन के। जैसे स्टेट्स दोस्तों ECS T10 में जिन इन प्लेयर ने जैसा परफॉर्म किया था वही परफॉर्म इन्होंने बरकरार रखते हुए इस सीरीज में भी करे। इसको रोम जो चल रही है, शीडुल्ला ने दोस्तों 11 के नंबर 3 पे बैटिंग करते हुए, मुस्तफ़ा ने नंबर 4 किए। इनकी ओर से बॉलिंग की बात करें दोस्तों तो सयाद को विकेट नहीं मिला, उस्मान अरिफ को 1 मिला, उस्मान वरिज को विकेट नहीं मिला, अजमत रज्जा को 2 मिले, शीडुल्ला को 1 मिला और वसीम उल हक जिसको 2 विकेट मिले दोस्तों। अब आप देखो क्योंकि वसीम उल हक का परसेंटेज सिर्फ 10 था जब मैंने इसको अपनी टीम में लिया था, क्योंकि अब देखना आप बहुत ज़्यादा हो गए होगा इसका। तो यही दोस्तों फ़ायदा होता है जो शुरुआती T10 होती है उनमें विन करने का। तो मैं यही कहूँगा आपको कि आप आइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और अच्छा खासा पैसा अर्न कीजिए, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, और आप अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों असल एक विसी था अपना हाइडर कैप्टन था, दोनों ने अच्छी खासी बैटिंग की दोस्तों, हाइडर बॉलिंग भी करता जैसा मैंने आपको स्टेट्स बताया ECS T10 में किया था, तो आपके लिए बेहतर पिक है कैप्टन विसी के लिए। अगर इस मैच में ये बॉलिंग करता है तो लास्ट मैच में पता चल जाएगा कि सॉरी दोस्तों लाइनअप आने के बाद कि कितने बॉलर्स के साथ खेल रहे हैं। आप देख सकते हो उलहक को दोस्तों 62, इसी की वजह से अच्छी खासी विन हुआ अपना। तो आप भी अच्छी खासी विन करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। अब बात करते हैं दोस्तों इनकी ओर से जजाई की, जिसने 6 मैच में 118 रन किए, 1 विकेट लिया। सॉरी दोस्तों जजाई ये दूसरी टीम का बताया दिया मैंने, सॉरी। हाँ फिर आता दोस्तों अमीन सुलेरी जो लास्ट मैच नहीं खेला, लेकिन अगर दोस्तों ये मैच खेलता तो आपके लिए एक बेहतर डिफेंशियल पिक होगा, जिसने 6 मैच में 131 रन किए और 8 विकेट लिए। तो आप देख सकते हो कितना बेहतरीन प्लेयर है। फिर जुनैद खान आता है, ये भी नहीं खेला दोस्तों, लेकिन इतना कुछ खास किया नहीं था स्वीडिश T10 में। मुस्तफ़ा है दोस्तों 8 मैच में 66 रन किया, अवीम ने 5 मैच में 55 किए, शीडुल्ला ने 6 मैच में 55 किए, 2 विकेट लिए। और दोस्तों वसीम उल हक जैसा मैंने आपको स्टेट्स बताया था T20 में 15 मैच में 20 विकेट है, तो बेहतर प्लेयर है। और बात करें दूसरी जो दोस्तों नक्सा की टीम है उसका रिकॉर्ड स्टेट्स में मैं आपको बता देता हूँ। इनकी ओर से दोस्तों सोहेल जाहिद ने 6 मैच में 173 रन किए, खालिद जाहिद ने दोस्तों 5 मैच में 168 किए। और नक्का की ओर से दोस्तों जो NSC की जो टीम है इनकी ओर से दोस्तों जबी जाहिद 6 मैच में 77 रन की, 4 विकेट कीपर है। इस मैच में मैंने ट्राई किया, सिर्फ 50% के नीचे सिलेक्शन था और 1 विकेट ले गया और बोली बैटिंग कर गया, सो अलग है दोस्तों। अमन मोहम्मद दोस्तों 6 मैच में 3 विकेट लिए, सदत सिद्दीकी ने 7 मैच में 2 विकेट लिए और अजम महमूद ने 8 मैच में 2 विकेट लिए। फिर इनकी ओर से इतना कुछ खास किसी ने किया नहीं, और वैसे भी अभी लाइव में मैच चल रहा दोस्तों, तो इस मैच खत्म होने के बाद पता चल जाएगा कि किस प्लेयर ने कैसा परफॉर्म किया है।
तो आपको कुछ नहीं करना, बस हमारे यूट्यूब वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, सॉरी दो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए बस। और फाइनल टीम के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में लास्ट 5 मिनट में एक बार विजिट जरूर करना। अब हम चलते हैं अपनी ड्रीम टीम की ओर। अभी वाला मैच भी दोस्तों अल्ट्रा वन साइड ही चल रहा है, ज़्यादा पॉइंट्स डिफेंस है नहीं दोस्तों। आप देख सकते हो टीम में भी कैप्टन ने बेहतरीन परफॉर्म किया, विसी का रोल बाकी है, अभी बॉलिंग बैटिंग अब आएगी। तो आप ऐसे हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहिए दोस्तों। ड्रीम इलेवन की टीम में बात करें तो विकेट कीपर में आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं लूँगा असली और जाहिद को। बैट्समैन में बात करें तो हाइडर को लिया, बेहतरीन प्लेयर है, जजाई को लिया और मैंने लूँगा दोस्तों। अभी लास्ट प्लेयर बाद में तय करेंगे जब ये मैच ख़त्म हो जाएगा इनका एनएसी का। अगर इस मैच में जाहिद और खाजा कहता है तो बेहतरीन पिक होगा जाहिद, जो मैं स्पेशली बताता हूँ तो जाहिद एक इंपॉर्टेंट पिक साबित हो सकता है दोस्तों आपके लिए। अभी के लिए मैं दोस्तों वकास को ही ले लेता हूँ। ऑलराउंडर में सोलरी एक बेहतरीन पिक है, जरूर ट्राई करना। क्या जाहिद लूँगा, सीडुल्ला लूँगा और मोहम्मद को अब मैं ट्राई नहीं करूँगा, मैं दूंगा दोस्तों उल हक को। अब मोहम्मद को जरूर ट्राई कर सकते हो। बॉलिंग में मैं आरिफ को लूँगा दोस्तों, रजा को लूँगा, केएली को बॉलिंग नहीं मिली तो इस मैच में चांस नहीं मिलने के, और लास्ट जो अपना पिक रहेगा वो एल मोमेंट रहेगा। अभी के लिए अपनी टीम ये है। कैप्टन विसी की बात करें हम तो हाइडर बॉलिंग नहीं, बैटिंग कर रहा, बॉलिंग नहीं कर रहा, तो अभी के लिए कोई बात नहीं, फिर भी हाइडर को कैप्टन कर देते हैं और विसी के जाहिद को कर देते हैं। अभी के लिए फाइनल टीम है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद।